राशन मिलता तब गाँव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। सरकार कह रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी तो रोड पर खड़ी है, बेटी तो रोड पर थोड़े दुख घने जगत में भोग्या कैसे रानी, किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापत शिवानी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, फिलहाल शिवानी मंडी के रूपाना रोड पापा पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा अगर पूरा दृश्य दिखा दे भाई, आप देख सको यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं। भाई क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि सुख थोड़े दुख घड़े जगत में। भाई दुनिया हर प्रकार से दुखी है, कोई सरकार से दुखी है, कोई प्रशासन से दुखी है, लेकिन इनका एक अलग ही दुख। आज सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, आधुनिकता का जमाना है, और बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम 4G दे रहे हैं, 6G दे रहे हैं, विदेशों में जो 4G 6G की धूम है, लेकिन यहाँ रूपाना गांव में आसपास के एरिया में बिल्कुल भी रेंज नहीं है, जिस कारण राशन के लिए परेशानी होती है। हर कोई अपनी सरकारी काम के लिए, कोई सुविधा के लिए अगर ग्रामीण जाते हैं तो उनके अंगूठे के निशान नहीं आ पाते, उनको हर समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ग्रामीण अपने साथ मौजूद आप इनके विचार ले आएंगे। आप इस वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि सरकार के हर नुमाइंदा तक यह खबर पहुंचे, शासन और प्रशासन के अधिकारियों तक यह खबर पहुंचे और इस मामले में संज्ञान ले। तो कुछ ग्रामीण लोग अपने साथ मौजूद है, ताऊ जी है, ताऊ राम राम के समस्या गौर कट्ठे हो रहे हो। मैंने कुछ बोल रहा हूँ, चलो मैं बोलूंगा, बात सुन, बात कुछ ग्रामीण और इनसे बातचीत कराए। हमारे गाँव में रेंज नहीं रहती, इसलिए हम अंगूठा लगाने के लिए शिवानी आए हुए हैं। हर महीने गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर हम आते हैं, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, लाना पड़ता है, हमारे इतनी ज्यादा परेशानी, हम बहुत दुखी है। आने वाले टाइम में हम भी सरकार से हम बदला लेंगे। किस तरह बदला लेंगे? वोट की चोट मारोगे? वोट की चोट मारेंगे अगर हमारे गांव में किसी मंत्री को भी नहीं आने देंगे। अगर इसे सुधार कर दे, आपका टावर टूर लगवा दे, फिर क्या करोगे? टावर लगा दे, हमें उसके साथ है, साथ सरकार के साथ। हाँ, अभी ग्रामीणों का यही कहना है सरकार को एक बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुछ और ग्रामीण माताएं बहनें अपने साथ मौजूद है। राम राम जी। राम राम। ऊपर कठे क्या बात है? बात तो आपने पहले और भाई यही भी सुनी है, आप भी सुनने की जरूरत है, बताओ। मेरा तो देख लिया छोटो टाबर गोदी में, पहले तो 6 किलोमीटर बोले बड़ुआ जी, फिर 6 किलोमीटर बोले तऊर तरह को शिवानी आ गया, इवन बालकान ले गए ने साथ में, आरूड़ा शिवानी आ गया। तो बाकी शिवानी आने से मारो मतलब हल को नहीं, मारे तो परेशानी नहीं है जितनी पहले थी, इतनी ही है। के मांग करना था सरकार, था के मांग करना था? मांग सरकार तो के मांग, सरकार की मांग देख लिया हम तो। हाँ, परेशान हो रहा सरकार, रोज खड़ा रखा है, कदे खड़ी कदे खड़ी, सरकार तो मांग यही, हम तो हर बार कह दी गांव में कोई मंत्री आए तो कोई और आए तो भाई हमारे रेंज को समाधान होना चाहिए। राशन गरीबा दे, गरीबा का ना कोई साधन है, 10 किलोमीटर पैदल घूम लिया, आज रोटी तो खाई को नहीं, छोटा बाल गोदी में, परेशानी भी घटो को नहीं। सरकार जो चाहे तो सरकार तो 1 मिनट में समाधान कर दे, बिल्कुल हम ही करांगा समाधान। हाँ, तो भाई ग्रामीणों का यही कहना है अगर सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया तो कहीं ना कहीं बड़ा खमियाजा जो सरकार को भुगतना पड़ सकता है और आगामी कार्रवाई कुछ माता बहने से बात कराए। हेलो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको बताओ? सर, गांव में नेटवर्क न होने की वजह से जब हमें राशन मिलता है तब गाँव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हमें गाँव से बहुत ज्यादा बाहर आना पड़ता है, तो गाँव में तो अंगूठा लगता भी नहीं है नेटवर्क न होने की वजह से। तो भाई सभी ग्रामीणों का यही कहना है कि नेटवर्क ना होने की वजह से अंगूठा लगाने में दिक्कत आती है, जहाँ राशन लेने में भी दिक्कत है। अगर ऑनलाइन जितनी भी सुविधा आजकल सरकार ने दे रखी है ऑनलाइन, वो हर मतलब समस्या से इनको जूझना पड़ता है। तो भाई आप इस वीडियो ज्यादा शेयर करके हर ग्रुप में डालो, ताकि सरकार के शासन और प्रशासन तक यह खबर पूछे। तो क्या की देर कर दे वीडियो में सर, अगली वीडियो मिलेंगे फिर एनपीएस न्यूज के लिए। चल रहे सत्य नारायण शिवानी मंडी से बात की रिपोर्ट।